आपको यहाँ पे जमा कराया है, वो एक रोड शो यहाँ से जाएगा, वहाँ तक लोगों में एक मैसेज जाएगा कि राष्ट्र के मुद्दे अवेयरनेस फैलेगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं निसार अमन मारू स्कूल से हूँ और आज हमने ये रैली निकाली है और हमारी रैली निकालने का मकसद यही होता है कि हम ये समाज को, अपने बच्चों को, अपने पेरेंट्स को अवेयर करें इस बुरी लत से। जो बच्चे होते हैं वो सारे बच्चे इस लत में आजकल फंस गए हैं। हमारा फ़र्ज़ बनता है हम बच्चों को अवेयर करें, अपने पेरेंट्स को अवेयर करें, समाज को अवेयर करें कि इस लत से बाहर आ जाएं, क्योंकि उन्होंने अपने बच्चों को इग्नोर कर रखा है, अपनी फैमिली को इग्नोर कर रखा है। वो बच्चे से नहीं पूछते आप कहाँ थे, क्या थे, खुली छूट दे के रखी है हमने बच्चों को। लिहाजा हम पे एक फ़र्ज़ अवलैन है कि अपने बच्चों से पूछताछ करें, अपने बच्चों पे ख़ास नज़र रखें और ताकि हम इस लत से आज़ाद हो जाएं। पुलिस ने भी इस मसले में ज़बरदस्त उन्होंने ये मुहिम चलाई है और वो भी बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। और हमने इस ड्रग जो है, ये नासूर जो हमारे समाज में, हमने इसको ग्रास रूट लेवल से ख़त्म करना है। We are the students of Mar School of Education. We organized this rally because we want to aware our society and our young youth who is into this. हमने इसलिए ड्रग्स के बारे में और रैली निकाली है ताकि हम हमारे जो एडल्ट हैं उनको बता सकें, उनको अवेयर कर सकें कि उनके बच्चे क्या करते हैं। बिकॉज जो हमारे यंग यूथ है वो आज इसमें ज़्यादा मुलव्वस हो चुकी है, उसमें ज़्यादा जो इसमें है वो आज ज़्यादा ड्रग्स करती है, अपनी लाइफ बर्बाद करती है। तो जो ड्रग्स जो करता है ना, वो सिर्फ अपनी लाइफ बर्बाद नहीं करता है, बल्कि जो उसके सराउंड में जो उसके लोग होते हैं, उसके फैमिली मेम्बर्स होते हैं, वो उनकी भी ज़िंदगी बर्बाद करता है। ये पहले उस इंसान की मेंटल हेल्थ को बहुत ही ज़्यादा बर्बाद कर देता है एंड देन आफ्टर उसकी जो होल फिजिकल हेल्थ है उसको भी अफेक्ट करता है। ये इसलिए हमारे स्कूल ने आज इसलिए ये रैली निकाली है ताकि हम इन सब इनके एडल्ट, इन सब आज कश्मीर के लोगों को बता सकें कि ये कितना इफेक्टिव है, ये कितना मतलब बर्बाद कर देता है एक इंसान की लाइफ को।